Hello students, I am sure you are already enjoying SFM Advanced Lectures. I have already uploaded lecture number 1 and lecture number 2. Today we are going to do lecture number 3 और ये topic वापस forex का ही होने वाला है, okay? Forex में बहुत ज़्यादा diversified variety of questions होते हैं, तो मैं कितना भी करा दूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं 25 to 30 sums करवाऊँगी, तो 25-30 सम सिर्फ फॉरेक्स में नहीं कराने वाली, सारे चैप्टर्स कवर करूंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. लेकिन अगर तुम बोलोगे कि मैम आप 25 सम फॉरेक्स में ही करा दो, तो मैं 25 सम फॉरेक्स में भी करवा सकती हूँ. मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी फॉरेक्स के अंदर बनती है, बट अपन नॉन स्टॉप नहीं जा सकते, राइट? तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रही थी आपको रादर कि लेक्चर नंबर 1 में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो 3 सम आपको कराए, ऑल द 3 सम्स वेयर ऑन द बोरोइंग ऑफ द फॉरेन करेंसी. मतलब हमें कोई फॉरेन करेंसी चाहिए थी और हमें वो फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट करना था, और वो भी लीस्ट कॉस्ट पॉसिबल मैनर में, राइट? एंड जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो आपका आंसर होता था. मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ. आपने लेक्चर नंबर 2 में ये देखा कि मैंने 2 सम्स बैक टू बैक कराए, वन वॉज वेरी ईजी एंड वन वॉज रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट बोथ द सम्स वेयर बेस्ड ऑन इनवॉइसिंग. मतलब हम कौन सी करेंसी में अपने पेबल्स और रिसिवेबल्स को इन्वॉइस करें, या फिर अपने इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स को इन्वॉइस करें टू हैव द मैक्सिमम बेनिफिट. अगर रिसिवेबल होगा तो हाइएस्ट द बेटर, अगर पेबल होगा तो लोअर द बेटर. आई थिंक आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मच बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दोज टॉपिक्स इन द रेस्पेक्टिव वीडियोज. आज जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, ये भी फॉरेक्स पे है, और इसमें मैं कुछ सम्स आपको करवा रही हूँ, 3 या 4 सम्स होंगे जो भी, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द घूमते हुए होंगे. दे वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड द इन्वेस्टमेंट टॉपिक. मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना है फॉरेन कंट्री में या फॉरेन करेंसी में. आप एक करेंसी में हो और आपको दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट करना है, ओके? तो 3-4 वैरायटी मैंने चूज करी एंड सारे बहुत अच्छे अच्छे सम्स हैं. लेकिन ये वाला लेक्चर आपके पिछले 2 लेक्चर के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होगा, आपको समझने में थोड़ा इजी जाएगा, ओके? तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. शीट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपके पास में, आप डाउनलोड करके चाहो तो आप शुरू कर सकते हो, राइट? यहां पे मैं हेडिंग दे रही हूं, सम्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके? क्वेश्चन नंबर 6. ये सम तो बहुत ज्यादा इजी है, और मेरे जो बच्चे हैं, मतलब जो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है फॉरेक्स या मुझसे कोई भी करिकुलम किया होगा, तो उन लोगों को ये सम बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ये वैरायटी ऑलरेडी क्लास में कराई हुई है, ओके? सिमिलर वैरायटी. लेकिन जिन लोगों ने मुझसे नहीं भी पढ़ा है उनको भी टफ नहीं लगेगा, सो डोंट हैव टू वरी एट ऑल. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, यू शुड ऑल्सो रीड विथ मी. द क्वेश्चन इज, अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्रॉम यूके proposes to invest pound 1 million. देखो, ये बंदा अगर यूके का है तो उसकी होम करेंसी पाउंड होगी, तो इसके पास में पाउंड 1 million है जिसको ये इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट? मतलब बेसिकली आप फर्म बोलो, इंडिविजुअल बोलो, हमें उसे फर्क नहीं पड़ता. इन एन इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग मार्केट होता है, जैसे इंडिया इज ए इमर्जिंग मार्केट, जो हाई ग्रोथ फेज में रहते हैं ना मार्केट्स, उनको इमर्जिंग मार्केट्स बोलते हैं. तो क्या होता है ना कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में ग्रोथ का स्कोप बहुत कम हो जाता है. वो कंट्रीज ऑलरेडी इतनी डेवलप्ड हो जाती हैं कि वहां पे आप पैसे इन्वेस्ट भी करोगे तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा. लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, जैसे इंडिया है या जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, आपका यू नो हांगकांग है, या ये जितने भी एशियन कंट्रीज फॉर दैट मैटर सिंगापुर है, यहाँ पे ग्रोथ के बहुत ज्यादा स्कोप रहते हैं, बिकॉज ये जो कंट्रीज हैं ये हाई ग्रोथ फेज में रहते हैं, ओके? तो वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूरोप, दे वांट टू इन्वेस्ट मनी इन दिस कंट्रीज बिकॉज उनको अपनी कंट्री में ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, ओके? आगे बढ़ती हूँ. आफ्टर अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इंडिया एंड हांगकांग आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, विच इज ऑल्सो द होल्डिंग पीरियड फॉर द FII. मतलब यूके की जो FII है उसको 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ज्यादा नहीं. ये उनका होल्डिंग पीरियड, आई एम श्योर यू नो दिस वर्ड नाउ, ओके? एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न आर 15% एंड 12% इन इंडियन एंड हांगकांग मार्केट्स रेस्पेक्टिवली. इंडिया में अगर ये लोग इन्वेस्ट करेंगे तो 15% का रिटर्न मिलेगा, और हांगकांग में करेंगे तो 12% का रिटर्न मिलेगा.
Withholding tax rates applicable on the returns earned are 15% in India and 12% in Hong Kong. I'm sure guys, मैंने forex chapter जब पढ़ा रही थी मैं, तो मैंने withholding taxes both in terms of investment and in terms of borrowing, मैंने दोनों आपको समझाया था, लेकिन इस समय वापस आ रहा है तो मैं फिर से समझा दूंगी आपको. ओके, अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विथ FII includes करेंट एक्सचेंज रेट्स. ये डेटा हमें जरूर गिवन में लिखना चाहिए, अच्छी बात होती है. ओके, रुपी पर पाउंड मैं लिखती हूँ यहाँ पे, स्पॉट रुपी पर पाउंड 69.50 एंड 69.70, या फिर पूरा पढ़ लेती हूँ. एंड हांगकॉन्ग डॉलर पर पाउंड इज 11.15 एंड 11.18. ओके, दोनों का स्पॉट रेट दिया हुआ है. और देखो दोनों में पाउंड है, यानी कि ये लोग ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि हम इंडिया में पैसा डालें कि हांगकॉन्ग में डालें, हायर द बेटर. एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर यूके का 2% है, इंडिया का 4% है और हांगकॉन्ग का 3% है. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिटर्न इन इंडिया एंड हांगकॉन्ग इन पाउंड टर्म्स. अज्यूम परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड्स गुड इन बोथ द कंट्रीज. फिर से सेम कुछ चीज़ें मैं बार बार रिपीट करती हूँ. जब मैं ये सम्स करवा रही हूँ तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका फॉरेक्स चैप्टर नॉर्मल बेसिस पे, मतलब अगर ये आप लेक्चर्स अगर आप अटेंड नहीं कर रहे होते तो आप फॉरेक्स कैसे तैयार करते हैं ना एग्जाम के लिए, उतनी तैयारी आपकी हुई भी होगी, पढ़ाई हुई भी होगी, तो आप ये लेक्चर्स सारे SFM एडवांस्ड के अटेंड करना. ये सम्स गाइस हाई लेवल के, मैंने CFA के पोर्शन से, मास्टर्स के पोर्शन से मैंने ये सम्स उठाए हुए हैं, तो ओब्वियसली इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा और कई कॉन्सेप्ट्स का मर्जर होगा एक साथ में. ओके, तो अगर आपका फॉरेक्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होगा ना तो आप सबको कनेक्ट कर पाओगे, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें डेटा समराइज करना चाहिए. देखो यहाँ पे अभी मैं लिख रही हूँ स्पॉट हांगकॉन्ग डॉलर पर पाउंड 11.15 एंड 11.18. एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज यूके, यूके का दिया हुआ है, आई पाउंड इज 2%, आई रुपीज मतलब इन्फ्लेशन इन इंडिया, इसका मतलब ये हुआ, एंड आई हांगकॉन्ग डॉलर इज इक्वल टू 3%. और हमें बताना है कि सबसे अच्छा कहाँ रहेगा, इंडिया में कि हांगकॉन्ग में. ओके, और विथहोल्डिंग टैक्स भी दे रखा है, वो भी लिखना पड़ेगा हमें. विथहोल्डिंग टैक्सेस आई कैन राइट द वे आई वॉन्ट, यू कैन राइट द वे यू वॉन्ट. अभी मुझे तुरंत बिल्कुल क्लिक नहीं किया कि मुझे कैसे लिखना है. एक्चुअली इसका 15% ही बोला है. और इसका शायद 12% ही बोला है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. इन्वेस्टेबल अमाउंट $1,000,000, ठीक है ना, 10 लाख हो गया. अभी ए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इट्स वेरी इजी सो आई विल बी गोइंग फास्ट. इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, दिमाग चलाना चालू करो. अगर 10 लाख पाउंड है, 1,000,000, 10 लाख पाउंड को तुम स्पॉट पे बेचोगे, पाउंड बेचोगे, तो पाउंड अगर बेचोगे तो 69.50 एंड मूविंग फ्रॉम वाई टू एक्स मल्टीप्लाई. सो वी कैन राइट डाउन दिस अमाउंट, दिस अमाउंट मीन्स 10 लाख पाउंड्स वुड बी converted on the spot at the rate of rupees 69.50 per pound, getting pound 10 lakh multiply karna padega into rupees 69.50 पर पाउंड. टेन लाख
into 69.5 will be rupees 695,000,000. ठीक है ना. नाउ ये पैसे अपन इन्वेस्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 15%. दिस अमाउंट वुड बी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 15% फॉर 1 ईयर. टफ नहीं है तो थोड़ा फास्ट जा रही हूं मैं. सो रिटर्न विल बी रुपीज 695 lakhs इंटू 15%. करेक्ट. मेरे को आ रहा है रुपीज 104,250,000. बट ये पूरा पैसा तुम लेके नहीं जा सकते, विथ होल्डिंग टैक्स है 15% का. तो टैक्स तुम्हारे 695 lakhs पे नहीं लगेगा, टैक्स तुम्हारा लगेगा तुम्हारे ब्याज वाले, जो तुमने कमाया है ना ये 104,250,000, तुमको इस पे टैक्स दे पे करना पड़ेगा. तो तुम कितना लेके जाओगे? प्रिंसिपल जैसे आया था वैसे ही पूरा जाएगा, सिर्फ रिटर्न पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा. सो पोस्ट टैक्स रिटर्न विल बी रुपीज 104,250,000 इंटू, या माइनस 15% भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 15%. करेक्ट. वन जीरो फोर टू फाइव ट्रिपल जीरो माइनस 15% विल गिव मी रुपीज 8,861,250. ये पैसा आप वापस लेके जा सकते हो, राइट, यूके. तो प्रिंसिपल प्लस ये वाले अमाउंट अपन ऐड करते हैं. अमाउंट दैट कैन बी रिपैट्रिएटेड बैक विल बी रुपीज 695. एम आई करेक्ट? यस. 00,000 प्लस रुपीज 8,861,250. ये हो गया पोस्ट टैक्स तुम्हारा रिटर्न और प्लस तुम्हारा प्रिंसिपल 695. आई गेट रुपीज 7,836,1,250. गाइज यू नीड टू कन्वर्ट दिस अमाउंट इंटू पाउंड्स. तुमको वापस लेके जाना पड़ेगा, बट उसके लिए तुमको 1 ईयर की फॉरवर्ड रेट लगेगी. और उन्होंने रेट नहीं दिया है, लेकिन तुमको इन्फ्लेशन के रेट्स दे रखे हैं, इंडिया का भी है और यूके का भी है. तो तुम परचेजिंग पावर पैरिटी का फॉर्मूला लगा करके आसानी से निकाल सकते हो. एंड आई एम श्योर तुमको वो आता होगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस हमने फॉरेक्स के अंदर में और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में ऑलरेडी करा था, राइट. तो 1 ईयर फॉरवर्ड बिड रेट अलग अलग करना पड़ेगा, दो है ना. तो क्या होता है, S इंटू 1+IA/1+IB. आपको याद आना चाहिए वेयर A स्टैंड्स फॉर द इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंट्री A एंड B स्टैंड्स फॉर द IB स्टैंड्स फॉर द इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंट्री B. तो रुपी पर पाउंड, अगर तुम रुपी पर पाउंड चेक करते हो तो तुम्हारा रुपी इज A एंड पाउंड इज B. करेक्ट. तो स्पॉट बिड का क्या रेट है, देखो 69.5 है. 69.50 इंटू इंडिया का क्या इन्फ्लेशन रेट है, यहां देखना पड़ेगा. इंडिया का है 4% और यूके का है 2%. तो 4 × 2 आएगा इंटू 1.04. इसलिए मैंने बोला कि जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है वो नहीं अटेंड करेगा ये लेक्चर्स. तो 69.5 × 1.04 डिवाइड बाई 1.02, आई गेट 70.86 रुपी 70.86 पर पाउंड. ये बिड का निकला, इसी तरह से हमें आस्क का भी निकालना पड़ेगा. 1 ईयर फॉरवर्ड आस्क विल बी क्या है रेट, 69.70. 69.70 सेम कैलकुलेशन 1.04/1.02. 69.7
into 1.04 divided by 1.02 will give you 71.07 per pound. So 1 year forward, rupee per pound will be 70.86/71.07. I don't think that anybody of you would not have understood this कि क्या लिखा हुआ है. आपको समझ में नहीं आया ऐसा मुझे नहीं लगता, because ये बहुत simple है. ओके अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हारे हाथ में रुपीज है, ये वाला देखो तुम्हारे हाथ में रुपीज है और तुमको यूके जाना है तो तुमको रुपी को सेल करना पड़ेगा. तुम रुपी सेल नहीं कर सकते लेकिन पाउंड को बाय करोगे इस रेट पे और हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ओके पाउंड इनफ्लो विल बी इक्वल टू 783.61250 द होल डिवाइड बाय रुपीज 71.07 पर पाउंड. देखते हैं कितना आता है 783.61250 डिवाइड बाय 71.07. आई गेट पाउंड डॉलर इतना ज़्यादा वी आर सो यूज टू डॉलर नो दैट अगेन मेरे मुंह से डॉलर आता है. प्लीज़ ऐसी कोई गलती मुझसे हो जाए तो डोंट प्लीज़ फील लाइक डिफेंसिव अबाउट कि आपने गलत बोला. मेरे इट इज़ सो डैम सेट ऑन द टंग एक्चुअली, जुबान पे इतना ज़्यादा वो सेट है डॉलर कि बार बार मुंह में डॉलर ही आता है. ओके अब ये रिटर्न निकाला तुमने कितना इन्वेस्ट किया था 10 लाख पाउंड. देयरफॉर रिटर्न इन पाउंड टर्म्स, देखो वहां लैंग्वेज लिखी हुई थी इसका ये मतलब हुआ. तो 110.2592.51 डिवाइड बाय 10 लाख द होल डिवाइड बाय 10 लाख, ये सारे पाउंड्स हैं. ओके इनटू 100. टाइम एडजस्टमेंट का कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बिकॉज तुम ऑलरेडी एक साल के लिए कर रहे हो. माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100 विल गिव यू 10.26%. गाइस अगर तुम्हारा मन नहीं है ना मेरे को कॉपी करने का तो मुझे लगता है कि पाउंड का हांगकांग में इन्वेस्ट होना यू कैन ट्राई ऑन योर ओन एंड यू कैन ट्राई टू चेक योर आंसर्स ऑन योर ओन. ठीक है तो मैं तो कर ही रही हूँ लेकिन तुम पॉज करके अगर खुद से करो तो बहुत अच्छा होगा. अभी फटाक से इन्वेस्टमेंट इन हांगकांग बी इन्वेस्टमेंट इन हांगकांग सेम बिल्कुल चलेगा. और तुमको पता है क्यों बिल्कुल सेम चलेगा? क्योंकि जो रेट है ना वो भी हांगकांग डॉलर पर पाउंड दे रखी है. जैसे रुपी पर पाउंड दे रखा था ना वैसे हांगकांग डॉलर पर पाउंड. तो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम जाएगा. तो फटाफट मैं पुलअप कर देती हूँ ये सम को. ओके दिस अमाउंट वुड बी कन्वर्टेड, दिस अमाउंट का मतलब 1 million pounds इंटू हांगकांग डॉलर्स ऑन द स्पॉट. ओके सो पाउंड 10 lakhs 1 million है ना इंटू हांगकांग डॉलर 11.15 पर पाउंड. सेम है बिल्कुल. सो हांगकांग डॉलर 11.150 ये अमेरिकन फॉर्मेट में आ गया एक्चुअली. रहने दो या फिर चेंज. रिटर्न ऑन हांगकांग डॉलर विल बी 111,50,000 करेक्ट इंटू 12% है. सो 133,800.
ठीक है, ये पैसा पूरा नहीं जाएगा, अगेन सेम थिंग, सो विथ होल्डिंग टैक्स इज इक्वल टू 12% दिया हुआ समय, सो रिटर्न्स नेट ऑफ withholding tax will be 12%, 1,338,000 -12% will be Hong Kong dollar 1,177,440, ठीक है. Amount to be repatriated back will be Hong Kong dollar 1,115,000 plus Hong Kong dollar 1,177,440. I get Hong Kong dollar 1,237,440. ठीक है. अब ये पैसे को तुमको पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब होम कंट्री लेके जाना पड़ेगा. तो मैं क्या बोल रही थी तुमको कि जैसे पिछले वाले समय तुमने नोटिस किया कि हमें बिड रेट की जरूरत नहीं पड़ी, हमें आस्क रेट की जरूरत पड़ी, तो मैं दोनों नहीं करती हूँ. मैं वन ईयर फॉरवर्ड हांगकांग डॉलर पर पाउंड आस्क, बिकॉज हमें यही लगने वाला है, 11.18 इंटू हांगकांग का इन्फ्लेशन है 1.03 और यूके का है 2%. बेसिकली क्या करोगे तुम, हांगकांग डॉलर बेचोगे मतलब पाउंड खरीदोगे, तो तुम्हें आस्क रेट की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट. तो रेट होगी 11.18 इंटू 1.03 डिवाइड बाई 1.02, आई गेट 11.29. सो इट्स ईजी. पाउंड रिटर्न, ये पाउंड इनफ्लो होना चाहिए, इज हांगकांग डॉलर 1,237 देखे कितना आता है 1,237,440 डिवाइड बाय 11.29 विल गिव मी पाउंड 1,019,1,890.16. सो अब आएगा पाउंड रिटर्न. वो पाउंड इनफ्लो था क्योंकि हमने अमाउंट निकाला, सो जस्ट बी केयरफुल ऑन द वर्ड्स. Will be 1,091,890.16 minus 10 lakhs. That's 1,000,000 pound, right? The whole divided by 10 lakhs. Guys, ये बहुत ज़्यादा easy सम है. इसलिए तुम शायद सोच भी रहे हो कि मैम इतना भगा क्यों रही है पोर्शन को. लेकिन ये इतना easy है कि कोई चैलेंज नहीं है इसके अंदर में. That is why. So let's quickly move on to the next sum, ना. 9.19%. तो आई थिंक इंडिया में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा हो रहा है. कितना है देखें आंसर, ये हो गया, ये हांगकांग का है. इंडिया का कितना आया था, 10.26. सो वी वुड रिकमेंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सिंस रिटर्न्स आर हायर वी रिकमेंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. दैट्स ऑल. बहुत ज़्यादा सिंपल सम है, लेकिन फिर से वही बात जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बोली, सम कितना भी आसान हो लेकिन अगर तुमने पहले सम नहीं देखा है तो तुमसे नहीं होगा. तुमसे नहीं, मेरे से भी अगर मैं सम कोई पहली बार देख रही हूँ
तो करते समय एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये सम सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर कर भी लिया सही, मतलब आई मीन प्रोबेबिलिटी है कि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो तुम सही ही करोगे, तुम गलत नहीं करोगे। लेकिन अंदर से एक अपने को ना फियर रहता है, दुख दुख रहती है कि पता नहीं वेदर आई एम गोइंग रॉन्ग, आई एम गोइंग करेक्ट, सो दैट इज देयर। ओके, सो इफ यू हैव सीन द वराइटीज, अगर तुमने पहले से वराइटीज काफी सारा देखा हुआ है, तो वो जो कंट्रोल तुम्हारा पेपर के अंदर में होगा उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि सारे सम्स हमारे देखे हुए अगर आते तो बात ही क्या थी। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7, सेम इन द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, चलो फटाक से शुरू करो। मैं तुमको ये दिखा देती हूँ, अगर तुम्हारा कहीं पे लिखना छूट गया हो ना तो तुम कॉपी कर लेना, तुमको पॉज मिलेगा पूरा। ये तुम्हारी पहली स्क्रीन हो गई, मैं से ज़्यादा नहीं दिखा रही, ये पहली स्क्रीन हो गई। उसके बाद दिस इज़ योर सेकेंड स्क्रीन, दिस इज़ योर सेकेंड स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास में शीट है, वो शीट आपको पढ़नी है और मैं भी पढ़ रही हूँ सम आपके साथ में। काफ़ी डिफरेंट सम है, आपने ऐसा सम पहले कभी नहीं देखा होगा। है सम इन्वेस्टमेंट का ही, बट इन्वेस्टमेंट मतलब बेसिकली ओवरऑल किस टॉपिक के अंदर बोलो ये भी नहीं मुझे पता, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। आई फाउंड द सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड लीडिंग लैगिंग भी इन्वॉल्व हो रहा है और इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें भी आ रही है, बट काफ़ी जेनरिक सम है वैसे तो। बट मुझे नहीं समझा कि मैं इसको और कौन सी कैटेगरी में क्लब करती, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। और वैसे भी आज का लेक्चर थोड़ा रिलेटिवली ईजी जा रहा है, पहला वाला सम भी ईजी था, थर्ड वाला भी और ईजी होगा। सिर्फ थोड़ी सी डिफिकल्टी अगर है तो ये वाले सम में है, बट इट्स अ वेरी नाइस सम एक्चुअली। पढ़ते हैं सम, फिर डिस्कशन करेंगे अपन। ओके, स्टार्ट। द कवर्ड आफ्टर टैक्स लेंडिंग एंड बोरोइंग रेट्स फॉर 3 यूनिट्स ऑफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग आर। देखो, यूएस, सिंगापुर और हांगकॉन्ग का डिपॉजिट और बोरो, मतलब लेंडिंग और बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग का रेट तुमको दिया हुआ है। करेंटली द सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग यूनिट्स ओ $2 मिलियन एंड $3 मिलियन रेस्पेक्टिवली टू देयर यूएस पेरेंट। मतलब सिंगापुर और हांगकॉन्ग शायद इनके सब्सिडरीज हैं, ओके, और इनका पेरेंट यूएस में है, यूएस है, और इन लोगों को $2 मिलियन और $3 मिलियन पेमेंट करनी है यूएस पेरेंट को। ओके, द सिंगापुर यूनिट ऑल्सो हैज $1 मिलियन इन रिसीवेबल्स। अच्छा होगा ये सम पॉज करके तुम 2-3 बार पढ़ो, बिकॉज कंट्रोल नहीं आएगा। और सम इतना ईजी है कि तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुरंत क्लिक नहीं आएगी तुमको। ओके, द सिंगापुर यूनिट ऑल्सो हैज $1 मिलियन इन रिसीवेबल्स फ्रॉम इट्स हांगकॉन्ग एफिलिएट। मतलब हांगकॉन्ग को, सिंगापुर को $1 मिलियन देना है। द टाइमिंग ऑफ दीज पेमेंट्स कैन बी चेंज्ड बाय अप टू 60 डेज इन ईदर डायरेक्शन। मतलब ये जो देने लेने का कार्यक्रम है इनका, इनका जो प्रोसेस है, ये 60 डेज से ये लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, 60 डेज से कम भी कर सकते हैं, ये इनकी मर्जी पे है, मतलब इनको ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। ओके, समय क्या बोला है पता है क्या? इफ यूएस पेरेंट इज बोरोइंग फंड्स वाइल बोथ द सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग सब्सिडरीज हैव सरप्लस कैश अवेलेबल, यू आर रिक्वायर्ड टू। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पेरेंट के पास पैसों की प्रॉब्लम है, उसको पैसा बोरो करना पड़ रहा है, ओके, और इन दोनों के पास में पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है, ये ध्यान में रखना। इन दोनों को यूएस पेरेंट को पैसे देने हैं। सिचुएशन ये है कि पेरेंट के पास जनरल तरीके से पैसे की कमी है, डेफिसिट है, कैश डेफिसिट है, और ये मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ रहा है अगर इनको जरूरत पड़ गई तो, और इनके पास पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है। ओके, लेकिन एक होता है ना कि 60 दिन का टाइम है तो 60 दिन के बाद दे देंगे, ऐसा समय लिखा है। डिटरमाइन द एमएनसीज ऑप्टिमल लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेटजीज। अब सुनना ध्यान से, बहुत प्रैक्टिकल पार्ट है। यूएस के पास में पैसे नहीं है, कितने पैसे की उसको जरूरत है ये समय नहीं दिया हुआ है, हमें उससे मतलब भी नहीं एक्चुअली। लेकिन उसकी बोरोइंग रेट है ना, वो 3.9% है। मतलब वो जो भी अमाउंट बोरो कर रहा होगा वो 3.9% पे बोरो कर रहा होगा, बराबर है। और ये लोग दोनों, अगर पैसा इन लोग को देना है, कितना देना है, दोनों को मिला करके 2 मिलियन और 3 मिलियन, यानी $5 मिलियन ये लोग अगर प्रीपोन कर दे, 60 दिन का टाइम है ना, तो 60 दिन में, 60 दिन के बाद नहीं दे करके प्रीपोन कर दो, अभी दे दो। क्यों क्यों अभी दे दो? अगर ये लोग रखेंगे भी पैसा तो
तो अल्टीमेटली क्या होगा, सिंगापुर 3% पे इन्वेस्ट करेगा, हांगकांग 3.2% पे करेगा। तुमको इंडिविजुअली नहीं देखना है ना, तुमको ओवरऑल एज अ ऑर्गेनाइजेशन देखना है। तो अगर यूएस पेरेंट 3.9% पे पैसा बोरो कर रहा है और ये लोग अगर 60 दिन तक पैसा रख भी लेते हैं, यानी 60 दिन के बाद देने का अगर सोचते भी हैं, तो कितना कमाएंगे? एक 3% कमाएगा और एक 3.2% कमाएगा उस पैसे पे, मगर ओवरऑल में तो लॉस हो गया ना। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, सम कैसे फ्लो करेगा कि इन दिस सिचुएशन हांगकांग एफिलिएट एंड सिंगापुर एफिलिएट शुड स्पीड अप देयर पेमेंट टू द यूएस पेरेंट। यूएस पेरेंट को कितना पैसा मिल जाएगा? $5 लाख। तो जो भी अमाउंट, कितना अमाउंट उसको बोरो करने की जरूरत पड़ रही है वो समय दिया हुआ नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, लेकिन जो भी अमाउंट वो बोरो कर रहा है उसमें से $5 लाख का तो बफर मिल गया ना, यानी $5 लाख तो बोरो नहीं करना पड़ेगा ना, उस पर ब्याज बच गया, यानी कि $5 लाख पे 3.9% के हिसाब से 60 दिन का ब्याज बच गया, किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। और अगर तुमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है तो कैसे होगा कि $5 लाख पे 3.9% के हिसाब से 60 डेज का ब्याज सेविंग हो गई, और $2 मिलियन पे, किसका है $2 मिलियन? सिंगापुर का। $2 मिलियन पे 3% फॉर 60 डेज का अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ इंटरेस्ट हुआ, और $3 मिलियन पे 3.2% का 60 डेज के हिसाब से अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ इंटरेस्ट हुआ। समझ गया तुम क्या बोल रही हूं? यानी तुम्हारा ब्याज लूज कर गए ये दोनों, बिकॉज देते तो 60 दिन के बाद देते अगर सिचुएशन वैसे नहीं होती तो ब्याज कमाते। तो कितना ब्याज कमाते ये लोग? जो ब्याज कमाते 60 दिन में वो निकालो, और 5 लाख पे अगर ये लोग 5 लाख दे देते हैं यूएस पेरेंट को, तो उसको उतना पैसा कम से कम बोरो नहीं करना पड़ेगा, उतने से उसको सेट ऑफ मिलेगा और उस पर 3.9% का ब्याज 60 दिन का बचेगा। दोनों को कंपेयर करो, वो नेचुरली सेविंग आएगी। तो दैट इज व्हाई व्हाट दे शुड डू, दीज टू एफिलिएट शुड स्पीड अप देयर पेमेंट टू द यूएस पेरेंट। वाई? ये कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, भाई इतने पैसे बच रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऐसा करने से, इसलिए इनको ऐसा करना चाहिए। ये एक चीज हुई। दूसरी बात कि द सिंगापुर यूनिट ऑल्सो हैज अ रिसीवेबल। अच्छा, सिंगापुर यूनिट को मिलने वाले हैं $1 मिलियन, करेक्ट ना, हांगकांग से। तो क्या बोला है, डिटरमाइन द एमएनसीज ऑप्टिमल लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेटेजीज। मतलब सिंगापुर और हांगकांग को लीड करना चाहिए अपना पेमेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, बट हांगकांग को डिले करना चाहिए, लैग करना चाहिए अपना $1 मिलियन का पेमेंट सिंगापुर को। क्यों? हांगकांग 3.2% कमा रहा है इसको 60 दिन के बाद, और वैसे भी सिंगापुर को पैसे की दिक्कत तो है नहीं, उनके पास सिचुएशन कंफर्टेबल है, समय लिखा हुआ है। ओके, तो ये अगर 60 दिन के बाद भी देते हैं तो उसको दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फायदा है। क्यों? ये 60 दिन में 3.2% एडजस्टेड टाइम के साथ में कमाएगा, और अगर सिंगापुर को दे देता है तो वो 3% ही कमाएगा, करेक्ट? तो ज्यादा जहां कमा रहा है वो होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी नाइस सम गाइस, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स। देखो बी पार्ट में उन्होंने बोला है कैलकुलेट करके बताओ, और सी पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। पहले मैं ए और बी करती हूँ, उसके बाद तुमको मैं सी पार्ट करके दिखाऊंगी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सम, एक्चुअली आई लाइक दिस सम अ लॉट, बिकॉज सी एक सम को सम की तरह ट्रीट करना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट हो रहा है, तो तुमको मतलब लिखना भी नहीं है ज्यादा और सम अच्छा भी हो रहा है। चलो ए, इन द गिवन सिचुएशन सिंगापुर and Hong Kong should speed up their payments to US parent because the rate of borrowing
for US is 3.2, no, 3.9, how? 3.9%, whereas the affiliates, पूरा नहीं लिखने का मन है तो affiliates, whereas the affiliates have deposit rates of 3% and 3.2%, which is lower than US parent borrowing rate. इंडिविजुअली नहीं देखना है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखना पड़ेगा, राइट? ये एक पॉइंट हुआ, अपन देना भी चाहिए यहाँ पे, एक पॉइंट हुआ, राइट? दूसरा पॉइंट ऑल्सो, हांगकांग शुड डिले इट्स पेमेंट टू सिंगापुर एज द लेंडिंग रेट्स, एज अ लेंडिंग रेट ऑफ सिंगापुर इज लोअर एज अ लेंडिंग रेट ऑफ सिंगापुर इज लोअर देन हांगकांग, करेक्ट? तो ये इस अपने पास में रखेगा 60 दिन, तो ज्यादा ब्याज कमाएगा ना, वो बात हो रही है, करेक्ट? और अच्छी बात है कि एक ही करेंसी दे रखी है, वरना इतना पार टू पार कंपैरिजन नहीं हो पाता. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. बी पार्ट, हाँ, इफ द US prepones द पेमेंट जो मिलने वाला है ना, 5 मिलियन, उसकी बात हो रही है. प्रीपोन्स द पेमेंट सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग विल बी इक्वल टू $5 लाख, करेक्ट है? मैं एक साथ लिख रही हूं, समझ जाना क्या लिख रही हूं. इंटू 3.9% इंटू 60/360, ध्यान देना, अगर 60 दिया है तो नीचे 360 ही लोगे, कोई भी 2 महीने उठा लो तुम साथ में तो 60 डेज नहीं होते. आई होप यू, कोई भी 2 मंथ्स इफ यू टेक टुगेदर साथ में लोगे तो 60 दिन नहीं आएगा काउंट होकर के, ट्राई कर लो. तो कितना बचाया इसने, 5 लाख इंटू 3.9% इंटू 60/360, 3250, 3250 जितना ब्याज बचा लिया. ओके, एक लाइन और आनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए, सिंगापुर के लिए. $20 लाख मेरे हिसाब से, मैंने 5 लाख लिया है, 5 लाख नहीं 50 लाख होना चाहिए एक्चुअली, मिलियन है ना ये, तो 10 और आएगा गाइस, कोई बात नहीं है. सारी चीज़ें 10 से बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, ये 0 यहाँ बढ़ जाएगा तुम्हारा और ये भी बढ़ जाएगा, बस हो गया. ओके, तो 20 लाख्स इंटू 3% इंटू 60/360, मतलब कितना ब्याज कमाते अगर ये लोग 60 दिन के बाद देते तो,
इंटू 3% इंटू 60 डिवाइड बाई 360, 10,000। ये 10,000 कमाता, और ये कितना कमाता? 30 लाख इंटू 3.2% इंटू 60 बाय 360, 16,000। आई होप इट्स करेक्ट। तो 26,000 कमाते और उधर 32,500 उसका खर्चा हो जाता, तो बचत हो गई ना कंपनी को टोटल $26,000 नेट प्रॉफिट। ऐसा लैंग्वेज लिखी तो मैं भी वही लिखूंगी। नेट प्रॉफिट इज कितना हो गया? 32,500 माइनस 10,000 माइनस 16,000, डायरेक्टली भी कर सकते थे, $6,500। इतना पैसा बच गया है लोग का, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है बट फिर भी सेविंग सेविंग होती है। ओके, ये एक पार्ट हो गया तुम्हारा। अभी एक पार्ट और करके दिखाना पड़ेगा इनको, कौन सा? अगर सिंगापुर 60 दिन तक पैसा नहीं लेता है हांगकांग से, तो कंपनी को कितनी सेविंग होगी, वो भी निकालते हैं। इफ हांगकांग lags the payable, अपने को ना सारे एक जैसे लगते हैं एक्चुअली इंडिया छोड़ के, इंटरेस्ट $10 लाख है वो, इंटू 3.2% इंटू 60 बाय 360। ये भाई साहब इतना कमाएंगे, 10 लाख इंटू 3.2% इंटू 60 डिवाइड बाई 360 विल गिव यू, बाई गॉड, $5,333.33। ये इतना कमाएगा, और ये भाई साहब कितना कमाएंगे? अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर सिंगापुर, मतलब उसको नहीं मिला ना तो कितने का नुकसान होगा उसको नोशनल बेसिस पे, विल बी $10 लाख कम नुकसान होगा, 3% इंटू 60 बाय 360, कोई और मेच्योरिटी दे नहीं रखी, दिमाग लगाना मत, इंटू 3% इंटू 60 डिवाइड बाय 360 विल गिव यू 5,000। सो से नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? अगर लैग करोगे तो कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? कंपनी को हो जाएगा 333.33। इतना सिंपल है सम, बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो टेंशन नहीं लेनी थोड़ी भी। ओके, एक जो पार्ट पूछा है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तुम ये काम करो ना, वो थियरी है तुम्हारी, ये पहले जल्दी से कॉपी कर लो और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये देखो, एक स्क्रीन रही और ये दूसरी स्क्रीन रही और ये तुम्हारी तीसरी स्क्रीन रही और ये पूरी स्क्रीन रही। ओके, मैं सी पार्ट करती हूँ अभी। हाँ, सम्मेलन ने क्या पूछा है कि अगर यूएस पेरेंट के पास में डेफिसिट नहीं सरप्लस होता तो तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होती? ये सम तुमसे पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर सरप्लस होता तो क्या करते कि सिंगापुर वाली एफिलिएट को या सब्सिडियरी को हम बोलते, भाई तू तो प्रीपोन कर पेमेंट को, तेरा ब्याज यूएस से कम है, 3.1 है उसका, 3 है, लेकिन हांगकांग वाले को बोलते तू डिले कर बिकॉज ये ब्याज ज़्यादा कमा पाएगा यूएस के मुकाबले। एक ये पार्ट होता। दूसरा पार्ट ये होता कि हम हांगकांग वाले को तो डिले करने को ही बोलते, वो जो $1 million देना है ना सिंगापुर को, वो डिले करने को बोलते। बस इतना ही लिखना है अपने को। शुरू कर रही हूँ मैं। इफ यूएस पेरेंट हैड सरप्लस कैश अवेलेबल, we would advise
सिंगापुर टू प्रीपोन द पेमेंट. इट्स मोर ऑफ अ थियोरी क्वेश्चन. एज यूएस इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन सिंगापुर. इंटरेस्ट रेट एट द सेम टाइम हांगकांग शुड, लॉजिक अब नहीं लिख रही, तुमको समझ में आ गया है, शुड डिले द पेमेंट टू यूएस पेरेंट एंड हांगकांग शुड ऑल्सो डिले पेमेंट टू सिंगापुर एज इट कैन इन्वेस्ट एट अ रिलेटिवली हायर रेट. आई डोंट थिंक, नहीं समझा होगा, बहुत ईजी सम था बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था. ये तुम्हारी थियोरी रही इसके लिए, राइट? लिख के ख़त्म करो फटाफट या फोटो क्लिक करो, जो करना है करो, बिकॉज मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूँ आज के लेक्चर में. ओके, सो लेट्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. फट से करो, ख़त्म हो जाएगा. बहुत ईजी, वो क्वेश्चन भी मैनेजेबल है काफ़ी. क्वेश्चन नंबर 8, ये पोर्टफोलियो के साथ मिक्स हुआ हुआ सम है. ओके, बट बहुत बेसिक सम है, मुश्किल नहीं है. एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तुम भी पढ़ो, एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्लान्स टू इंक्रीज रिटर्न्स बाय इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. इट इज दिस बैकड्रॉप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड. देखो, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर, तीन कंट्री का दे रखा है. सम डिफिकल्ट नहीं है. डेटा डेसिफर करना, डेटा को देख के कंफर्टेबल रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर सम डिफिकल्ट नहीं होता, बट डेटा देख के आधा डर लगता है हमें. देखो, यूनाइटेड स्टेट्स का रिटर्न है 12%, यूके का 16 और सिंगापुर का 10 है. ओके, उसके बाद लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, यूएस का 8, यूनाइटेड किंगडम का 6 और इसका 5 है. फिर क्या लिखा हुआ पता है? कोरिलेशन विथ यूनाइटेड स्टेट्स. तो नोटिस करो, मैंने पढ़ाया हुआ है, खुद का खुद के साथ 1 होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. यूएस का यूके के साथ 0.6, यूएस का सिंगापुर के साथ 0.05. मैट्रिक्स दिया हुआ है, पढ़ना आना चाहिए, बट ऐसा मैट्रिक्स है भी नहीं. वॉट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो विथ 25% इन्वेस्टेड इन द यूके एंड 75% इन यूएस. अब तुमको याद आएगा कि क्यों मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि पूरा पढ़ के आओ SFM नॉर्मल वाला, उसके बाद ये पढ़ना. ये सब एक में मिक्स तुमको मिलेगा और सारी चीज याद आना चाहिए तुमको. तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट, यूएस और यूके का तुमको पोर्टफोलियो बनाना है और आरपी बार और सिग्मा पी निकालना है और कुछ भी नहीं करना. शुरू कर रही हूँ मैं. ए, ओके, 75% in US and 25% in UK, ठीक है ना? तो RP bar will be 0.75, सीधा लिख रही हूँ, 0.75 into 12 plus 0.25 into 16. देखो क्या आंसर आता है, 0.75 into 12. अपने को मिलेगा 13%. क्रॉस चेक कर लेना एक बार. ओके, सिग्मा पी विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, डब्ल्यू स्क्वायर ए सिग्मा स्क्वायर ए डब्ल्यू स्क्वायर बी सिग्मा स्क्वायर बी प्लस
2 into W A W B R A B sigma A sigma B, याद है? तो 0.75 whole square, okay, 8 whole square plus 0.25 whole square, और ये हो जाएगा 6 whole square plus 2 into 0.75 into 0.25 into 8 into 6 into 0.60. I hope you remember the formula, and that's very important. At this juncture, we cannot revise formulas. It's a bad idea. Okay, शुरू कर रही हूँ calculation. Okay, देखो मैंने ये calculation करी है और उसके हिसाब से तुम्हारा sigma p will be equal to 7%. Okay, ये एक हो गया. Now B में क्या बोल रहा है? B में बोल रहा है, what is expected return and standard deviation of returns of a portfolio with 50% invested in Singapore and 50% invested in US. Same calculation करनी है. RP bar 0.5 into 12 plus 0.5 into 10. ये तो verbally भी तुम कर सकते हो. 6 plus 5, 11. Sigma P will be 0.75 whole square. नहीं, 0.5 आएगा और यहां पे आएगा 8 square plus 0.5 whole square, और सिंगापुर है ना तो ये 5 square plus 2 into 0.5 into 0.5 into 0.05. बहुत कम रिलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क बहुत कम होगा इसका. Into 8 into 5 and we need to calculate this. ये मैंने लिखा है अभी 16 plus 6.25 plus 1 करती हूँ ना तो 23.25 आया. उसका रूट लूंगी मैं, मेरे को आ रहा है 4.82%. मुझे क्या लग रहा है कि ये ना ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, बिकॉज देखो रिटर्न वहाँ 13 आया है बट रिस्क 7 आ गया है. तो तुम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, याद है रिस्क बाय रिटर्न करोगे ना तो देखो 7/13 अगर करते हो तो 0.54 आता है, और ये अगर करते हैं ना अपन 4.82 डिवाइड बाय 11 तो 0.44 आता है, मतलब कम है. तो ऑब्वियसली दिस इज अ लेसर रिस्की प्रपोजिशन. एक्चुअली सी पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने, सी पार्ट में पूछा है विच कंट्री इज टू बी कंसिडर्ड फॉर अ बेटर सेट ऑफ रिस्क रिटर्न चॉइसेस, सिंगापुर और यूके. ऑब्वियसली सिंगापुर. वी रेकमेंड सिंगापुर बिकॉज दिस इज yielding better return in comparison to risk. पता नहीं मुझे समझा नहीं क्या लिखना है. I wanted to write something like technical, maybe कि per unit of kind of वो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न इज बेटर फॉर द सेकंड वन. एक्चुअली ये बोलना चाह रही थी मैं कि आप जो आप हर एक इंक्रीमेंटल रिटर्न कमाने पे जो आप रिस्क लोगे वो सेकंड वाले में कम है, इसलिए ये अच्छा है. ओके उतना नहीं लिख रही मैं यहाँ पे, आप चाहो तो लिख सकते हो. ओके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं रिस्क बाय रिटर्न. ओके अपन को रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मतलब अगर कंपेयर करना होता है तो वो सबसे, बिकॉज एब्सोल्यूट देके पता नहीं चलेगा ना. अगर आपको वहाँ 13 और 7 है और ये 11 और 4.82 है, एब्सोल्यूट बेसिस पे आप कैसे, हाउ वुड यू कंपेयर, देर हैज़ टू बी सम टेक्निक वहाँ जहाँ पे आप कंपेयर कर सको. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ओके तो रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न इज बेटर फॉर पार्ट बी, मतलब आपको कम एक इंक्रीमेंटल रिटर्न कमाने के लिए सेकेंड वाले ऑप्शन में रिस्क कम लेना पड़ रहा है.
मतलब टू बी वेरी प्रेसाइज एंड सिंपल एक्चुअली. थैंक यू सो मच. एंड इसके बाद जो लेक्चर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और फॉरेक्स में वो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं बिल्स के बारे में आपको बताऊंगी. अगर आपको ध्यान होगा तो जनवरी 21 के पेपर में उन्होंने सम पूछा है एंड दैट सम इज़ अबाउट बिल्स. ओके, एक्सपोर्ट बिल जो होता है उसके बारे में सम आया है. आज तक उन्होंने एक्सपोर्ट बिल पे ऐसा कोई भी सम जो जन 21 में आया आपके पेपर के अंदर में SFM न्यू कोर्स में, ऐसा सम पहले कभी नहीं पूछा है. तो जितना वो सम देखने में सिंपल है उसके पीछे की स्टोरी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. जब तक आपको स्टोरी पता नहीं होगी तब तक वो आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे. इट्स ए लेंदी डिस्कशन विच इज़ रिक्वायर्ड. फिलहाल अगर तुम बोलोगे तो मैम एक ही सम है, नहीं, लेकिन नहीं, आई हैव अरेंज्ड फॉर मल्टीपल सम्स इन द सेम कैटेगरी. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.